को बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों 6.10 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है। 9 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड एंड शो दैट ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। आपको ये वैल्यू देख के कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था इसका क्वेश्चन हमने एपी में भी पढ़ा, अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ा और हार्मोनिक मीन में रह गया था, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन विल बी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये जो है ए और बी के दरमियान में हार्मोनिक मीन तब होगा इफ जब इस ये इक्वल आएगा ए एन प्लस बी एन इक्वल आएगा ए और बी के हार्मोनिक मीन के, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2ab ओवर a प्लस b। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या है 2ab ओवर a प्लस b। इसको हम लिख लेते हैं इधर। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है a और b फाइंड करने का, 2ab ओवर a प्लस b। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन अगर फाइंड करना हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा आप देखें जरा, अब क्या करना है, ठहा करना है, ठहा करें जरा। a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस वन, इसको किससे ठहा करना है, ए प्लस बी से, ठीक है। और टू ए बी को किससे ठहा करना है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से। बेटा देखो जरा, जब इस वाली वैल्यू को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया ए की पावर एन प्लस वन डॉट ए, यही आ गया। इसी वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से करें, ए एन प्लस वन और बी आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, बी एन प्लस वन डॉट ए। अब इसी को नेक्स्ट वाली से करें मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, बी की पावर एन प्लस वन डॉट बी। अब ये देखें बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, टू ए बी को वन है ना, जब हम मल्टी यहां पर देखें डायरेक्ट मैं लिखूंगा, टू ए बी को मल्टीप्लाई करने लगे ए की पावर एन से। आपको पता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता कुछ कुछ होता है, तो जब भी सेम चीजों को b तो 2b वैसे ही आ गया, a की पावर 1 और a की पावर n को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा n plus 1, तो वही डायरेक्ट लिख सकते, क्या आ जाएगा 2 a की पावर n plus 1 और b plus, इसी तरह क्या आ जाएगा 2b 2 a b की पावर n plus 1, 2 a b को जब b की पावर n से करेंगे क्या आ जाएगा a, सेम ही आ जाएगा। अब करना क्या है, करना आपने ये है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये नहीं सॉरी, ये जो हमारे पास टर्म है ए के ऊपर पावर एन प्लस वन और बी, ए के ऊपर एन प्लस वन और बी, बी के ऊपर एन प्लस वन और ए, बी के ऊपर एन प्लस वन और ए, इनको इकट्ठा लिख देना, ठीक है। इन दोनों को शिफ्ट करते हुए ये बेटा रेज कर देता हूं, अब आपकी जरूरत नहीं है, खैर बताना था आपको फॉर्मूला तो वो बता दिया। अब देखें जरा तुमने करना क्या है, बचा क्या यहां से, ये हमारे पास बचा ए की पावर एन प्लस वन डॉट ए, और क्या बचा, ये बचा b की पावर n n प्लस वन डॉट b, इसको भी बैठ, ये भी मतलब ऐड हो रहे हैं, पावर ऐड नहीं कर रहा हूं खुद, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, आप इधर देख लेना क्या लिखा हुआ है, 2 a n प्लस वन b, 2 a n प्लस वन और b, ये आ गया। और ये क्या है, a n प्लस वन b, प्लस उधर आ गया, आ माइनस, माइनस a n प्लस वन और b। अब देखें फिर क्या है, प्लस टू, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, प्लस टू ए बी एन प्लस वन, अब ये लिखा हुआ प्लस टू ए बी एन प्लस वन, और इसको जब उधर ले आएंगे माइनस और देगा, ए को पहले लिख रहा हूं, ए पहले आ गया तो ये क्या लिखा हुआ, बी एन प्लस वन, ठीक है। अब आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता कुछ कुछ होता है, तो ये लिख दिया कुछ कुछ, ठीक है बच्चों। अब क्या आ गया, इन दोनों को देखें जरा, इन दोनों को क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस वन डॉट a प्लस b की पावर n प्लस वन डॉट b इज इक्वल। बेटा इसमें से इसको निकालें तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n प्लस वन डॉट b, इसमें से इसको निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस a b n प्लस वन, ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं जहां पे a के ऊपर पावर है कंबाइन कर लें, a की पावर n प्लस वन डॉट a, ये प्लस है इधर आके माइनस ए एन प्लस वन और बी।
अब क्या करें, इफ जहां b के ऊपर पावर है उसे इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, n प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन डॉट बी। मुझे बताएं दोनों में क्या चीज कॉमन है, a की पावर n प्लस वन कॉमन है, क्या बच गया a माइनस बी। इन दोनों में बताएं b की पावर n प्लस वन कॉमन है, क्या बच गया a माइनस बी। तो जो सेम सेम नजर आ रहा है उसे हम क्या कर देते हैं कैंसिल। अब हमें यह भी पता है कि बचा क्या है हमारे पास, a की पावर n प्लस वन विच इज इक्वल टू b की पावर n प्लस वन। हमें यह भी बखूबी पता है कुछ कुछ होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता कुछ कुछ होता है। तो क्या आ गया, a की पावर n प्लस वन ओवर b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू वन। अगर मैं आपसे कहूं दोनों की पावर n प्लस वन है तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे ना। चलिए शुक्र है नहीं मनाया आपने। तो वन की जगह पे लिख सकता हूं a ओवर b की पावर जीरो, क्योंकि किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो क्या होता है वन। तो बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल। आप बताएं जरा n प्लस वन किसके इक्वल आ गया जीरो, प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन। तो ये हमने फाइंड करनी थी n की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, चले अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा गौर से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो हमें पता है, क्या पता है, बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को निकालें वो इक्वल आएगा सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को निकालें, इसको मैंने वन कह दिया। दोबारा सुन लें तहमुल से आराम सुकून से समझ के क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसमें है, एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो हमें पता है इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, दोनों इक्वल वन। अब यहां से मैं आपको एक और चीज भी कह सकता हूं, मैं कहता हूं हमें जहां भी पता लग जाए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एपी इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एपी में होगी। ठीक हो गया। नाउ अब क्या कहता है, शो डैट वन ऑफ सॉरी शो डैट ए प्लस बी बी प्लस सी एंड बी प्लस सॉरी ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आर इन एच पी। प्रूफ डैट, प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी सी प्लस ए और बी प्लस सी आर इन एच पी। हमने क्या प्रूफ करना है, ये एच पी में है, ये एच पी में कब होंगे, जब इनका रेसिप्रोकल जो है 1 ओवर a प्लस बी 1 ओवर c प्लस a और 1 ओवर b प्लस c किस में होंगे, r in ap। और कोई भी चीज ap में हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इसमें से इसको निकाले या इसमें से इसको निकाले, ये b है। 1 ओवर b प्लस c में से किसको निकालें, 1 ओवर c प्लस a, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। चेक करते हैं इन दोनों का एलसीएम में क्या आ जाएगा, c प्लस a भी आ जाएगा और a प्लस बी भी आ जाएगा। इसको वन से ठा करो a प्लस बी, इसको माइनस वन से ठा तो माइनस सी माइनस ए। यहां से देखें जरा इन दोनों को ठा करो क्या आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा और c प्लस ए आ जाएगा। इसको इसे ठा करो क्या आ जाएगा, c प्लस ए, माइनस से ठा करो माइनस बी माइनस सी। कुछ कैंसिल हो रहा है तो फौरन कैंसिल कर दो, रुकना नहीं है आपने। देखो मुझे नजर आ रहा है c प्लस ए, c प्लस ए कैंसिल हो रहा है, फिर ऊपर क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस ए प्लस ए ये भी कैंसिल हो रहा है और माइनस सी प्लस सी ये भी कैंसिल हो रहा है। जो बच्चा को चाहे छापा लगाओ उसका, क्या है b माइनस सी बचा और यहां से क्या बचा a प्लस बी। यहां से क्या आया, ये आ गया बेटा a माइनस बी, यहां से क्या आ गया b प्लस सी। अगर मैं आपसे कहूं इसको इधर ठा कर दो क्या आ जाएगा, b प्लस सी को b माइनस सी से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहां से इसको इधर ठा करो क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं आपसे कहता हूं दोनों की जगह चेंज करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूं जा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, उस वाली वैल्यू को लिख दिया, इसको लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन लिख दे, माइनस लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑन बोथ साइड। तो क्या मतलब है इसका, यहां से क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल आ गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो हमने क्या कहा था, फ्रॉम वन ये दोनों आपस में इक्वल है,
इक्वल, और ये इक्वल कब होंगे, जब ये किसमें होगा, एपी में होगा, ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल फ्रॉम वन, ये इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, सो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किसमें होगा, एसी में होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो सीक्वेंस किसमें होगा, एपी में। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ गया ना, तो हम क्या कहेंगे, ये जो सीक्वेंस था कौन सा वाला, वन ओवर ए प्लस बी, वन ओवर सी प्लस ए, वन ओवर बी प्लस सी, आर इन एपी। तो अगर ये एपी में है, हेंस इसका रेसिप्रोकल जो होगा सी प्लस ए और बी प्लस सी, ये किसमें होगा, आर इन एचपी, ये किसमें होगा, एचपी में होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आज के लेक्चर का वो देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस इज 4/7। क्या कहता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का अगर हम सम ले तो वो क्या आता है, 4/7। इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है उसमें, कहा है 1/2, तो फाइंड द सीक्वेंस। ओके, अभी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना रहा। इन दोनों में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से, ए वन को इसमें पुट करें, इसको वन कह देता हूं, इसको इसमें पुट करें, ए वन जहां पे है वहां पे आ गया 1/2 प्लस ए फाइव इज इक्वल टू 4/7, तो ए फाइव किसके इक्वल आ गया, 4/7 माइनस 1/2, तो ये आ गया 8 - 7/14, तो ये ए फाइव है, तो ए फाइव किसके इक्वल आ गया, 1/14। अब बेटा ए फाइव भी आ गया, ए वन भी आ गया, अब गिवन क्या था, गिवन ये था कि ए वन इज इक्वल 1/2 एंड ए फाइव इज इक्वल टू 1/14, आर इन एचपी। हम क्या यूज कर रहे हैं, एचपी ना, क्या कहते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हार्मोनिक है ना, तो इसका मतलब दोनों टर्म किस में है, एचपी में है। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं, इसको वैसे ही रहने दें, कि ए वन इज इक्वल टू एंड ए फाइव इज इक्वल टू 14, आर इन एपी, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में होगा। याद सिखा दो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए वन प्लस 4d इज इक्वल टू 14, ए वन की वैल्यू को पुट करो, 2 प्लस 4d इज इक्वल टू 14, और 4d इज इक्वल टू 14 माइनस 2, मतलब 4d इज इक्वल आ गया 12 और d इज इक्वल आ गया 3, d भी आ गया, ए वन भी आ गया। अब देखें सीक्वेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें पता होता है कि ए वन क्या है, 2, ए टू का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन प्लस डी विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5, ए थ्री क्या होता है, ए थ्री इक्वल होता है ए वन प्लस 2d, ए वन क्या है 2 प्लस 2 इंटू डी क्या है 3, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, तो ए फोर भी फाइंड कर ले, ए फोर किसके इक्वल होगा, ए वन प्लस 3d, ए वन क्या है 2 प्लस 3 × d, d भी 3 है, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11। अब देखो बेटा हम यहां से क्या कहेंगे, सब कुछ कन्वर्ट है एपी में, हैंस 2, 5, 8, 11, हैंस 2, 5, 8, 11 आर इन एपी, ये एपी में है। हमें सीक्वेंस फाइंड करना है, लेकिन सीक्वेंस कौन सा फाइंड करना है, हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड करना है, तो क्या कहेंगे, सो 1/2, 1/5, 1/8 एंड 1/11 आर इन एचपी, तो ये किसमें है, एचपी में, जो हमने सीक्वेंस फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।